सारे उनके इतने सारे बैच इसके चलते दिन शुरू करना पढ़ना और पढ़ना जितना समझ में बहुत उनकी करुणा है। तो उसमें कुछ दो एक दो बात मैं स्मरण करता हूँ। जैसे कि ये बता रहे थे ना परम गुरु जी क्या थे, निडर थे और क्या बड़े दयालु थे। और एक बात और बोली किसी ने बोली वो बहुत कोमल थे, जितने निर्भीक थे। आचार्य सिंह रूप ने सिंह कोई क्या होता है कोमल नहीं होते, परंतु सिंह भी कोमल होते हैं। कब? अपने बच्चों के प्रति कोमल होते हैं। अपने आश्रित जनों को का पालन करने वाले थे, इतने कोमल थे। उनका शुरू से ही वो दयालु थे। महाराज जी जैसे कथा सुना रहे थे, जो उनकी माँ उनको पॉकेट मनी देती थी उसको क्या गरीबों को खिलाना पिलाना उनकी रक्षा करना भी महाराज जी बता रहे थे कैसे उनकी माँ पैसे देती थी। और एक दिन बहुत विलंब से आई और माँ ने कहा ये बहुत बिगड़ गया है, मैं इस पर शासन करूंगी। रात को बहुत लेट आए तो छड़ी लेके खड़ी थी माँ, और जैसे ही वो आए तो माँ ने छड़ी बाहर निकाली। इतना लेट क्यों आई? तो बोले कि माँ हमने ना एक पूरा बच्चों की जवान बच्चों की वो समिति बनाई है, उसमें जो हम जो लोग दुखी हैं जो उनका कोई नहीं करने वाला उनकी देख रेख करते, तो एक माता को हैजा हो गया था, वो हॉस्पिटल में थी, तो मैं आज रात की ड्यूटी थी वो मेरी लगी, अब मेरी लगी तो मैं वो पूरा करके आया। तो जो तुम पॉकेट मनी देती हो आज हम भी, तो ये गिर गए नीचे और माँ रोने लगी। रोते रोते बोली आज से जीवन में प्रण लेती हूँ मैं कभी भी तेरे पे शासन नहीं करूंगी कभी भी। और शुरू से इनको बहुत दयालु थे। इतना ही नहीं, पहले तो दया तो उनका चरित्र में इनकी दया है, और बाद में आए तो प्रभुपाद जी की इतनी सेवा की, इतनी सेवा उन्होंने जो भी उनका प्रभुपाद अंतरंगाए सर्व सद्गुणशाली ने प्रभुपाद के अंतरंग मतलब खूब जो प्रभुपाद जी के हृदय में जो इच्छा होती वो इन्होंने सेवा करने की ठान ली। एक बार प्रभुपाद जी के मन में हुआ कि बाबा जी महाराज उनके गुरुदेव की समाधि थी और नवद्वीप के तरफ थी, गंगा जी की बाढ़ आई उस समय, अगर ये समाधि इधर आ जाती तो जहाँ मूल चैतन्य मठ है। बस इतना ही सुना तीन चार ब्रह्मचर्य को लेके गए और एक ही दिन के अंदर अंदर वो समाधि को पूर्ण समाधि को लेकर आए यज्ञ करके और वहां पर स्थापित की। प्रभुपाद जी इतना खुश हो गए। एक दिन प्रभुपाद जी कहते थे जब तक मायावाद जगत में रहेगा तब तक हम महाप्रभु की वाणी का प्रचार नहीं कर सकते। इतनी इच्छा बस जगी और उन्होंने पूरा ग्रंथ मायावाद की जीवनी जो लिखा है पूरा ग्रंथ इस पे लिख दिया कि मायावाद का खंडन कर। अगर भक्ति विनोद ठाकुर जी का स्थान है पे वो हमारे पास होता तो बाद में तो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे जो भक्त नहीं थे उन्होंने कब्जा कर लिया। इतनी इच्छा हुई बस और बदमाशों ने उस पर कब्जा कर लिया, तुरंत गए और वो कैसे कैसे खाली करा दिया और प्रभुपाद जी इतना खुश हो गए उनको बहुत आशीर्वाद दिया। जो भी मन में एक बार प्रभुपाद की इच्छा उठी बस यही निष्कपट सेवकों का लक्षण है। जो सेवा करने से पहले गुरुदेव आज्ञा करते उससे पहले ही मनोविष को मूर्ण करते वो अंतरंग सेवक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने निष्कपट सेवा की और इतने उनके अंदर स्वास्थ्य तना से पाले इतने कोमल थे, अपने आश्रित जनों का ऐसा पालन करते। एक बार क्या अनंग मोहन ब्रह्मचारी जब उन्होंने शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने के बाद जब हमारे गुरुदेव उनकी देखरेख कर रहे थे, गुरुदेव ने पत्र लिखा हे गुरुदेव आपने जिस अमूल्य रत्न को मेरे को दिया था सेवा करने के लिए मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, मेरे को क्षमा करना। इतना सुना परम गुरु जी के तो हाथ भी कांपने लगे और वही मूर्छित हो गए। और जब गुरु जी ने देखा पूज्य बावन गुस्से महाराज उनके सेवक थे जिसका एक बार प्रेस में काम कर रहे थे, प्रेस में काम करते करते उंगली कट गई, जैसे पता लगा परम गुरु जी भागते हुए आए और आंखों में उनके आंसू थे, उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। और एक बार हम उनके जो गुरु भाई थे कौन थे सेवा विग्रह नाथ हरि प्रभु, जब उन्होंने शरीर छोड़ा इतना क्रंदन किया और क्रंदन करते करते उन्होंने उनके बाद में एक साल के बाद उनकी विरह पूर्ति के लिए एक आर्टिकल लिखा। इतना सुंदर उनके आर्टिकल क्या लिखे, कलम भी रुक गई वहां पर और गला कि मैं लिखना चाहता हूँ पर उनकी महिमा लिख नहीं पा रहा। इसलिए अपने गुरु भाइयों का इतना प्रेम करते थे, जब प्रभुपाद जी की महिमा कहते थे समाधि मंदिर प्रभुपाद नहीं कह पाते थे, प्रभु कहते नहीं, गला उनका रुक जाता था और फिर कहते थे गुरु जी को इशारा करते कुछ बावन को सिमाई को इशारा करते आप बोलो। इतना उनकी सेवा निष्ठा थी।
और इतने बड़े दास, गुरु जी कहते थे कोई रसिक होता है कोई दार्शनिक होता है, और दोनों गुण किसी के अंदर होना बहुत ही, मेरे गुरुजी कहते हैं दार्शनिक में परम दार्शनिक और रसिक, इतने रसिक थे। एक बार गुरु जी कहते मैं जीव गोस्वामी एक टीका पढ़ रहा था दामोदर लीला, दामोदर लीला में क्या हुआ, जब यशोदा जी ने कन्हैया को बांध दिया तो बहुत बड़ी लीला है, पर गुरुदेव मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, समय नहीं मारे थे कभी वृंदावन जाना है, कितने उनके अंदर, कितना उनके अंदर प्रेम था, कितना सरल हृदय था उनका। तो गुरुदेव लीला बता रहे थे यशोदा जी को कन्हैया को बांध दिया, तो बलराम जी आए, बलराम जी जो पहले दास सबके रस के भक्त लोग आए खोल नहीं पाए, फिर क्या है बलराम जी आए वो भी नहीं खोलने पाए, फिर उन्होंने कहा तो कन्हैया को जब खोल दिया तो बोले किसी गोद में जाओगे, मैया जी में नहीं जाऊंगा, रोहिणी में कहते किसकी गोद में जाओगे, खाओगे किसका, तो कहे बाबा खा लेंगे गाय का दूध पी लेंगे, तो मैया ये हो गई तो मर गई। तो इतना सुना कन्हैया तो रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे, और जैसे कन्हैया रोने लगे यशोदा मैया रोने लगी, नंद बाबा रोने लगे, और वहां जितने परम गुरु जी कथा सुन रहे थे देव सुना रहे थे, तो गुरुदेव परम गुरु जी भी रोने लगे फूट फूट के, उनके अंदर इतना प्रेम, इतना सरल हृदय, इतना सॉफ्ट हृदय उनका था। और दार्शनिक कितने बड़े थे अभी बताना ना, रसिक कितने थे, राधा विनोद बिहारी अष्टकम लिखा उसमें 8 श्लोक है, एक एक श्लोक पे इतनी सुंदर सुंदर व्याख्या गुरुदेव ने दी है, बता रहे थे ना एक ही उन्होंने बताई, और सफेद बताई, और सेव्य सेवक संभोगे दूर वेद कुतो भवे, दूसरा श्लोक जो है इसमें क्या परम रसिक कृष्ण भावना का सार इसमें है, और इसमें क्या है 14 श्लोक में उन्होंने निर्गुणम क्या भगवान सगुण और निर्गुण दोनों हैं उसका मायावाद का खंडन किया, और एक में जीव कृष्ण परम तत्व है वो स्थापित किया, तो 8 श्लोक की बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्या की, और मंगल आरती उन्होंने की, मंगल आरती में भी क्या है पूरे रसिक, इतने रसिक थे, राधा कृष्ण की सेवा जो मंजरिया किस रूप में सेवा करती है उसको उन्होंने जगत में दिया, और हमारी जो तुलसी आरती है महाराज जी बताएंगे तुलसी आरती में, तो इतने सुंदर, इतनी उनकी महिमा, इतने रसिक थे, और दास नहीं कैसे थे, कोई उनसे कोई प्रश्न करे ना तुरंत उत्तर देते, कोई काट नहीं सकता था। एक बार क्या हुआ, एक बार भिक्षा करने के लिए नवदीप परिक्रमा जाते ना, नवदीप परिक्रमा करते करते भिक्षा करने जाते, 3 महीने भिक्षा करते, अभी भी चल रही है वो परिक्रमा, तो उसमें क्या है कौन से बसु थे, चंद्र बसु क्या ना, जो बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु थे, वहां पर आए हुए थे वोट मांगने के लिए, और ये भी गए थे भिक्षा मांगने के लिए, महापुरुष की जन्म तिथि आविर्भाव तिथि आ रही है उसके लिए भिक्षा देने के लिए, और एक कीर्तन करते घर घर में कथा कर रहे थे वहां पर, वो तो नेता लोग तो नेता की तरह बात करते, तो वो बोले कि तुम्हें शर्म नहीं आती, यहाँ बाढ़ आ गई है और तुम अभी भी भिक्षा कर रहे हो, तो इन्होंने तुरंत उत्तर दिया क्योंकि तब तो समझाने का समय नहीं है, जीवों पे दया करने के लिए उनके हाथ में एक दाना भी लेंगे भगवान को भोग लगाएंगे तो क्या होगा, उनका मंगल होगा, बहुत सारे तत्व सिद्धांत इसमें वो समझा, इन्होंने क्या कहा बाढ़ आई है, फिर देखने नहीं कहाँ बाढ़ आई है, तो वो सिगरेट पी रहे थे इस समय मुख्यमंत्री, तो उन्होंने कहा ऐसी बाढ़ आई है तुम्हारी सिगरेट को भी नहीं बुझा पाई, कौन कह रहा बाढ़ आई है, जब एक सिगरेट नहीं बुझी तो बाढ़ कहाँ आई, पानी तो क्या होता पूरी दावनल को बुझा देता, वो चुप हो गए, तो जब उनके जो मिनिस्टर थे और पीसी पुलिस आदि आदि थे बोले अरे ये कौन है, अभी कौन है मिनिस्टर के आगे से बोले, कह रहे महाराज इनका बड़ा नाम है, ये बहुत आचार्य सिंह इनका नाम है पूरे इसमें नवदीप धाम, इनको बोलेंगे अभी इतने 200 लोग इनके पीछे पीछे आ रहे हैं आपको वोट जीत भी नहीं पाओगे आप, चुप हो गए चले गए। एक समय क्या हुआ, एक समय किसी ने बोला कि ये भक्त लोग हो ना ये क्या बैठ बैठ के खाते हैं और कुछ काम नहीं है इनके पास, तो उन्होंने क्या कितनी दया है कितना परिश्रम करते, उन्होंने कुछ बोले नहीं, तो उन्होंने समझाया नहीं क्योंकि किसको कैसे समझा रहे, शरणागत को उपदेश के द्वारा, तार्किक को तर्क के द्वारा, ऐसे ऐसे तर्क कर देते उनके आप पढ़ोगे कृष्ण तत्व के ऊपर मायावाद खंडन कैसे किया, कोई टिक नहीं पाया, तो उनका वैष्णव लोग ये भक्त लोग बैठ बैठ के खाते, तो उन्होंने क्या कहा हाँ वैष्णव लोग बैठ बैठ के खाते क्योंकि मनुष्य बैठ बैठ के खाते और गधा कुत्ता घोड़ा खड़े खड़े खाते हैं, चुप हो गए कोई बोल नहीं पाए। एक समय क्या हुआ, ट्रेन में जा रहे थे किसने कहा, तो नहीं वो जज थे वहां पर, एक जज थे वो नास्तिक थे क्रिश्चियन थे, क्या थे उन्होंने कहा
कि क्या कर रहे हो भैया, जब किसका कर रहे हैं, भगवान का हम जब कर रहे हैं। कह रहे भगवान भगवान कोई नहीं है, तुम लोगों ने क्या धंधा बना रखा है, भगवान कोई चीज भी नहीं है, भगवान किसी ने देखे हैं, तुम भगवान को दिखा दोगे। तो परम गुरु जी समझ गए, समझेंगे नहीं, श्रद्धा नहीं, शरणागत नहीं। कह रहे बहुत सारी चीज नहीं, जो चीज ऐसी है जो देखी, तो उसी में विश्वास करता हूँ जो चीज देखी हुई है। कहते हैं ऐसी बहुत सारी चीजें तो जिस पर विश्वास करते तो देखी नहीं है। क्या बोले तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारे पिताजी जीवित है? बोले हाँ जीवित तो नहीं है। कहे तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? उन्होंने बोला राम कुमार, जो भी बोला हुआ कुछ। तो कह रहे तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी कैसे कर तुम, किसने बताया, तुमने देखा क्या कौन है? माँ बताती है तुम्हारे पिताजी, अगर माँ ना बताए तो कोई नहीं बता सकता कौन पिताजी है। तो जगत में चुप हो गए, बोल भी नहीं पाए वो। तो बहुत सारी ऐसे तर्क देते थे ना, ऐसे तर्क देते थे जैसे बता रहे हैं अभी, तर्क बता रहे थे कि किसी ने बोला कि सुंदर विद्या विनोद और एक उनके सेवक थे, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी निष्कपट, प्रभुपाद जी के जाने के बाद सब लोग विनोद ब्रह्मचारी के हमारे परम गुरु जी के साथ आ गए। तो उन्होंने बोला कि जब तुम्हारे हमारे प्रभुपाद जी ने मेरे को आचार्य बनाया, 32 मठों का आचार्य बनाया, और तुम मेरे लिए ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि परम गुरु जी कहते थे दोस्त देखना ही मेरी सेवा है, दो उनकी दया थी, सबको सुधार करते थे, अपने गुरु भाइयों को शिष्य को सबको दोस्त देखना उनकी सेवा थी। तो उन्होंने कहा देखो मेरे को 32 मठों का आचार्य बनाया, तुम क्या बोले, मेरे को अहंकार बोल रहे हो। तो उन्होंने ऐसे शब्द बोले प्रभुपाद की महिमा भी होगी और उनका भी बोल भी नहीं पाए। उन्होंने कहा देखो प्रभुपाद मेरे दया के सागर है, जैसे महापुरुष चटक पर्वत को क्या देखते हैं, गिरिराज पर्वत, अभी बता रहे थे ना, परंतु जो चटक पर्वत को चटक पर्वत ही देखेंगे। तो ऐसे ही जो तुम्हारे हृदय में गंदा नाला बह रहा है ना, गंदा नाला बह रहा काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष का, उसको प्रभुपाद जमुना जी देख रहे हैं, वो इतने दयालु, प्रभुपाद की महिमा बढ़ गई। पर मेरा जैसा व्यक्ति वो गंदा नाले देखेगा, और तुम्हारे अंदर जो अहंकार रूपी पर्वत है बता रहे थे ना, वो गिरिराज पर्वत देख रहे, पर वो क्या, मैं अहंकार देख रहा हूँ उसको। तो ऐसे तरफ देखते थे, ऐसे उनकी रसिकता थी, बहुत सारी उनकी विशेषता है, उनके चरणों पुष्पा देंगे। कल भी हम और भी उनके मायने में सुनेंगे, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद उनके गुरु जी थे, सारे जगत में जो गौड़े मठों की स्थापना की, स्कॉल में प्रचार हुआ, आज हम लोग तिलक लगा के जो बच्चे लोग माताएं पिता लोग जो घूम रहे हैं, और उनकी बड़ी दया है, उनकी तिथि मनाना है, तो ये बहुत बड़ा, अगर तिथि नहीं मनाएंगे उनके बारे में नहीं महिमा सुनेंगे तो बहुत बड़ा दोष होता है। इसलिए आप कल भी इस कथा में साथ आना, जहाँ पर भी होगी शाम को महाराज जी फरीदाबाद में करेंगे, और सुबह इधर 10 से 12 हम लोग उनका स्मरण करेंगे। कल तो ज़्यादा समय करेंगे कि आज सीमा है, महाराज जी को जाना है वृंदावन, इसलिए मैं प्रार्थना करूँ महाराज जी थोड़ा सा अभी कथा सुनाएंगे हमें, विसर्जन तिथि फिर आरती होगी। ओम ज्ञानेन्द्रियेन्द्रस्य ज्ञानेन्द्रियशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरे परम गुरु जी के बारे में मैंने अपने गुरु जी से ही सुन रखा है, जितना भी उनसे सुना है वही मैं सब तोते की तरह सिर्फ बोलने का ही प्रयास करूंगी। अभी आप सबने सुना कि गुरु जी जो है सिंह की तरह भी थे और कोमल भी थे। तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि उनके गुरुजी नारियल के जैसे थे, जो बाहर से देखने में तो कठोर परंतु अंदर से नरम, और परम गुरुजी बड़े बड़े सिद्धांतों को बहुत आसानी से समझा दिया करते थे। एक बार किसी ने उनसे प्रश्न किया कि जीव का स्वरूप संग से बदल जाता है, बदलता है कि नहीं बदलता, तो उन्होंने इतने सुंदर छोटे से उदाहरण से बात समझा दी कि मेरे जैसी मूढ़ बुद्धि को भी समझ आ जाता है ये सिद्धांत कि जीव का स्वरूप संग से बदलता है या नहीं। उन्होंने बताया कि तुम दो बीज लो, एक ही मिट्टी में डालो, उसको एक ही माली पानी देगा, एक ही
मिट्टी का संग मिलेगा उस जीव को, परंतु दो बीज से दो अलग अलग पेड़ ही निकलेंगे। अगर तुमने आम का बीज बोया तो आम का पेड़ ही निकलेगा, और कटहल का बीज बोया तो कटहल का पेड़ ही निकलेगा। उनको संग मिलने पर भी जीव का जैसे उस बीज का स्वरूप नहीं बदला, एक ही मिट्टी थी, दोनों को एक ही तरह का पानी मिला था, एक ही माली ने देखभाल करी थी, परंतु जिस वृक्ष का वो बीज था वही वृक्ष बना। इसी तरह उन्होंने ये समझाया कि हम जीव हैं, हमारा जो स्वरूप है वो संग के प्रभाव से नहीं बदलता, और जो जिसका जैसा स्वरूप है वो उसी तरह अपना संग ढूंढ अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित होकर भगवान की करेगा। और एक और कथा महाराज जी के बारे में, परम गुरु जी के बारे में, जैसे बताया कि परम गुरु जी के गुरु जी प्रभुपाद जी के अप्रकट होने के बाद बहुत सारे उनके शिष्यों ने जो है गुरु जी की जमीन को जैसे कब्जा कर लिया, उनके मठ पे तो अपना कब्जा कर लिया, परंतु उनके आचार व्यवहार को वो मानते नहीं थे। तो उन्हीं में से कोई एक गुरु भाई हमारे गुरु जी, परम गुरु जी से पूछने के लिए आए कि कैसे उनको वापिस ली जाए। तो उन्होंने मुकदमा कर रखा था, वकील हायर कर रखा था, फिर भी हमारे परम गुरु जी उन्हें लिख के बताते थे, बोलना तुम्हारा वकील ये बोले, ये बोलना तुम्हारा वकील ये बोले। तो इस तरह से वो केस चल रहा था, और जैसे ही वो उनसे पूछने आए तो हमारे परम गुरु जी ने क्या बोला, बोले कल ही केस खत्म हो जाएगा, ऐसा लिखो। बोले वो लिखना शुरू किए, बोले क्या, बोले पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, पुत्र होगा तभी अधिकार होगा। तो हमारे गुरुजी हैं तो उनके शिष्यों का ही उन पे अधिकार होगा। शिष्य कैसे पता चलेगा, जो शिष्य उनको उनका नियम का पालन करेगा, उनके बात मानेगा, वही उनका शिष्य, अन्य उनका शिष्य नहीं है। बोले कैसे प्रूव करोगे, जो शिष्यों ने उनका जगह पे कब्जा किया हुआ था वो शिष्य सहज या बाबा जैसे बन गए थे। वो लोग कीर्तन नगर, हमारे गुरुजी ने, परम गुरुजी ने क्या बोला, महाप्रभु के हम अनुयायी हैं तो नगर संकीर्तन निकालते हैं, तो वो नगर शिष्य थे, उन्होंने क्या बोला, नहीं नगर संकीर्तन सब बंद कर दिया, और कपड़े भी बाबा जी कपड़े दिए थे, ऑरेंज दंड दिया था, वो सब छोड़ दिया, सहजिया बाबा बन के बैठ के और मठ में स्मरण करने लगे, ऐसे करने लगे। तो उन्होंने बोला जाके बोल देना कि एक भी चिन्ह अपने गुरु का धारण नहीं किया, दंड छोड़ दिया, वस्त्र बदल लिया, और उनकी कोई भी प्रचार उनके जैसा नहीं कर रहे। तो कब्जा किया हुआ था जमीन पे, उनको ये कान में खबर पहुंच गई कि ये तो सुबह ये बोलने वाले हैं, हम तो उल्टे पड़ जाएंगे, हम तो हार जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी का हम बात मान ही नहीं रहे हैं। तो उन्होंने रात ही रात में क्या किया, अपना कपड़ा बदला लिया और सुबह नगर संकीर्तन निकालने लगे। तो वो जब वहां पे पहुंचे तो वो दलील दे नहीं पाए उनके वकील, क्योंकि वो बदल के आ गए। तो वो जो वापिस आए, जो महाराज जी उनसे, महाराज जी जीवन में आपने एक भी केस आज तक हारा नहीं, ऐसा कैसे हो गया, दिखाया कि देखिए महाराज ऐसे हमारे गुरु परंपरा के बारे में ये लिखा है। तो तभी बुलाया, एकदम हमारे गुरु जी बताते हैं उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया कि हमारे गुरु परंपरा के बारे में, हमारे गुरु जी के बारे में कोई कैसे बोल दे, हमसे ज्यादा हमारे गुरु जी को कौन कैसे जान सकता है। तो उन्होंने उनको लिखवाया कि उनको ये उत्तर दो। तो जब उन्होंने लिखा और उधर से उन्होंने केस किया, जब उनका वकील आया ना तो पता उन्हें पता चला कि केस किस पे करना है। परम गुरु जी का जब नाम उनके कान में गया, वकील में बोले अपने जो उन्होंने केस करवाया, बोले अभी माफी मांग लो, बाहर ही समझौता कर लो, अगर कोर्ट में चले गए ना वो तो बड़े जजों के भी जज हैं, उनसे लड़ाई करने में तुम्हारे भलाई नहीं है। तो इस तरह से हमारे परम गुरु जी को उनके गुरु जी ने मामला निपटाने वाली एक सेवा दे रखी थी। कहीं पे भी कुछ मामला मुकदमा होता था तो हमारे परम गुरु जी जाके वहां पे वो सब वकीलों को समझा कर निपटाते थे। और हमारे परम गुरु जी जो है उन्होंने भक्ति विरोध इंस्टीट्यूट की स्थापना करी, उसमें जो है रविवार की छुट्टी नहीं करते थे, उसमें क्या छुट्टी करते थे, एकादशी और पंचमी को छुट्टी करते थे। इसलिए हमें कितना अच्छा उन्होंने समझाया, बोले रविवार की छुट्टी कौन करते हैं, अंग्रेज लोग करते थे, क्योंकि वो गिरजाघरों में प्रार्थना के लिए रविवार को जाते थे। हमें
अपने घर में एकादशी का पालन करना है। हमारे घर में छुट्टी होगी, बच्चे घर में होंगे तो अच्छे से कीर्तन कर पाएंगे, एकादशी तिथि का पालन कर पाएंगे। तो एकादशी के दिन छुट्टी करते थे। और पंचमी, पंचमी बोले किसकी तिथि है? सरस्वती देवी, विद्या की देवी की तिथि है। तो जब हम सरस्वती देवी का पालन करेंगे उनकी तिथि का, तो हमें बुद्धि अपने आप से आएगी। तो इसलिए उन्होंने ऐसा भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट खोला जिसमें बच्चों को पढ़ाते भी थे और बच्चों को छोटे छोटे उसमें बड़े बड़े सिद्धांत सिखा देते थे। हमारे गुरुजी को कौलकिशोर दास बाबा जी महाराज का बहुत आशीर्वाद प्राप्त था। उनके गुरुजी ने, परम गुरुजी के गुरुजी ने, यहाँ प्रचार मत कर, क्योंकि हमारे परम गुरुजी एकदम निर्भीक होके बोलते थे, बोले तू कलकत्ता प्रचार मत कर, जहाँ तो कली का निवास मतलब काली देवी की पूजा है, और तू देवी के विरुद्ध। एक वहां पे बहुत बड़े गायक भी थे, उनको भगवान के जैसे मानते थे बंगाली लोग, बोले तो उसके भी विरुद्ध बोलेगा और देवी के भी विरुद्ध बोलेगा, तेरे को यहाँ पे जो है सब लोग मारेंगे, तो यहाँ पे प्रचार मत कर। तो हमारे परम गुरु जी ने क्या बोला, बोले हम तो प्रहलाद के वंशज हैं, हम किसी से क्यों डरेंगे, यहीं से प्रचार करूंगा। तो उन्होंने पहला मठ कलकत्ता में स्थापना की, वहां से प्रचार किया। उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर जो है, मैं इतना निर्भीक होकर प्रचार कैसे कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी की कृपा है। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज एक बार अपने आप को उन्होंने पब्लिक टॉयलेट शौचालय में बंद कर लिया था। क्यों? क्योंकि उनको बाहर जो रहते थे, जो भजन करते थे, तो लोगों को पता चल गया था ये सिद्ध बाबा है, इनसे जो भी मांगो वो हो जाता है। तो आगे पांव छूते थे, बाबा कृपा करो धन हो जाए, बाबा कृपा करो बच्चा हो जाए, कार हो जाए, ऐसे सब मांगते रहते थे। तो उन्होंने दुखी होके अपने आप को एक पब्लिक टॉयलेट में बंद कर। जब वहां से वो जमादारनी वहां से जा रही थी, तो उन्हें उसे आवाज आई अंदर कोई बैठा, हरे कृष्ण महाराज बोले, मैं इतना कमजोर हूँ, मेरे से दरवाजा खुल नहीं रहा, तुम जाओ। तो वो औरों को लेके आई कि एक बाबा अंदर बंद है, पता नहीं कैसे हैं, उनकी हालत कैसी है, दरवाजा खुलवा दो। बड़े बड़े ऑफिसर आए, उन्होंने आके बोला, बाबा आप दरवाजा खोल दो, हम आपकी बाहर एक सुंदर सी कुटिया बना देंगे, वहां आप भजन कर लेना, आप यहाँ कहाँ इतनी गंदगी में बैठे हो, आप दरवाजा खोल दो। पर उन्होंने हर एक को यही जवाब दिया, मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं हाथ भी नहीं उठा सकता, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, तुम जाओ, मैं यही ठीक हूँ। जब ऐसा हमारे परम गुरु जी ने सुना, तो हमारे परम गुरु जी आए, परम गुरु जी ने आके बोला, मैं आपके आश्रित प्रभुपाद का बेटा हूँ, आप दरवाजा खोलिए गुरुजी। तो उन्होंने ऐसे सुनते, अरे मेरे बेटे का बेटा, मेरा पोता आया है, ऐसे करके उन्होंने दरवाजा खोला और परम गुरुजी को अंदर बुलाया, उनको खूब आशीर्वाद दिया। और उनको उन्होंने उस समय कहा था, बेटा मैं तेरी सारी कठिनाई, तेरी सारी परेशानी मैं ले लूंगा, तू निर्भीक होके प्रचार कर। तो हमारे परम गुरुजी ये बात याद करके हमेशा रोते थे, बोले कि मैं, मेरे ऊपर जो है गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का आशीर्वाद है, मैं तो इसलिए निर्भीक रूप से प्रचार कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर उनकी कृपा है। इस तरह से ताई हरे कृष्ण। देखो ये जो दीदी कथा सुना रहे थे ना, इन्होंने वो पहले रहती थी बड़ी गेट में, वहाँ रहते समय भी भागवत कथा रखवाया करती थी, वहाँ पर भी भक्ति को जोड़े थे। अभी वो ग्रेटर नोएडा में आ गई, वहाँ पर भी अभी भागवत कथा हुई थी, आप सोच नहीं सकते इतने भक्त उसने बनाई। और घर में रोज ये क्लास देती हैं, और इनको एक माता जी आई और दो तीन माता जी आए, जो ऐसे कुछ माता जी जो लाख हरिनाम करती है, प्रचार करती है, एक एक लाख, ऐसे ऐसे उन्होंने भक्त बनाए, और वहाँ इतने भक्त बना दिए जो सोच नहीं सकते। अभी हमारे ये लोग ने भागवत कथा कराए थे, अभी वो कथा में बहुत लोग भक्त बने, और अभी उन्होंने 35-35 भक्तों को, बच्चों को उन्होंने बुलाए थे। हमारे अनिरुद्ध प्रभु गए थे वहाँ सेमिनार, इसने वहाँ सेमिनार दिलवाए थे, सेमिनार कराए। इसने एक दिन देखा कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे, मुसलमान बच्चे जा रहे, बोले आपको पता होगा छोटे छोटे बच्चों को मुसलमान कैसे ट्रेनिंग करते, उनको अपना धर्म को ऊपर। ये जब देख ली किसी छोटे छोटे बच्चों को, इन्होंने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो,
बोले हमारी जो मुसलमान धर्मों को बाहर में छोटे छोटे बच्चे हम वहाँ पर सब अमृत कुरान कुरान पढ़े। इसके अंदर में ये भावना ठान आई जब मुसलमान बच्चे अपना बच्चों को इतना ट्रेन नहीं करते, क्या हम हिंदू होकर तो अपना बच्चों को ट्रेन नहीं कर सकते। इसने ठान लिया हम भी छोटे छोटे बच्चों को गीता भागवत रामायण हम भी अपना बच्चों को पढ़ाएंगे। इसलिए मेरे पास मिसो फोन की, बोले महाराज हम कर सकते हैं, बोले करो। आप सोच नहीं सकते इसके लिए इतने प्रचार रोज है, कथा करती है। उनके दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, उनकी ससुर है, पति है, ये सबका सेवा करते हुए भी आप सोच नहीं सकते। इसी कथा से हमको पता चलता होगा वो कैसे प्रचार रोज क्लास देती है, रोज क्लास देती है, रोज लोग आते हैं घर में, ये रोज वो हरिकथा सुनाती है। और इतने अच्छे उन्होंने वहां पर सोसाइटी को इतने अच्छे बनाए, जो पूरा का पूरा सोसाइटी पता है ये सब बच्चों को भक्ति की सिखा देते हैं और बच्चों को भक्ति के रास्ता में चलाते हैं। वहाँ परिवार के परिवार को उन्होंने बदला दिया, उनको देखते बोला हरे कृष्ण वाले, सब श्री हरे कृष्ण वाले। ये इतने इसने प्रचार की। हम चाहते आप लोगों का अंदर अगर ऐसे जोश आ जाए ना, महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी में एक दिन ऐसे आएगा सबके सब भगवान का नाम गूंज उठेगा, पूरा पूरा भारत तो सबके सब ना वो भक्ति रस में सराबर हो जाएंगे। इतने के गुरु बड़े गुरु जी के शिष्य है, इसका नाम सिर्फ विशाखा शक्ति अभी वहां पर कथा हुई थी। एक दिन हमने उसको खड़ा किया, दो तीन दिन खड़े किया कथा सुनाने के लिए। उसने जो कथा सुनाई ना, मैंने तो हिल गया इसकी कथा सुन करके। मतलब जैसे कि आचार्य जी का वाणी होता है ना, ऐसे इसको वाणी थी। हरिनाम करना पड़ेगा, तिलक करना पड़ेगा, गले में कंठी पहनना पड़ेगा, जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक वो शांत ऐसे जोर से बोल रही थी ना, उसका जैसे शेर जो दहाड़ते ना, कहते शेर का बच्ची शेर होती ना भक्ति प्रज्ञान के, सब शेर थे उनका बच्चे शेर भक्ति नारायण गोस्वामी, उनके भी ये चेली है, इसलिए बहुत अच्छी प्रचार करती है। हम सोच नहीं सकते ये बहुत बड़ी चीज देखा है। अगर हम थोड़ी सी कुछ कर ले लग जाए ना, हमारे अंदर बड़ा अभिमान आ जाती। लेकिन इसके अंदर में वैष्णव का प्रति इतने वैष्णव के चरण में इतने प्रीति, वैष्णव इतने सम्मान देती है जो सोच नहीं सकती है। इसकी इतने महिमा गाओ ना, इतना कम है, हैं इतना कम है। इसलिए हम गुरु जी से, परम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं इसको अंदर में शक्ति दे, ताकत दे, ये भी धीरे धीरे भक्ति को बढ़ाए। हाँ वहाँ पर इसलिए आप लोग भी अंदर में ठानो ये चीज को। अगर एक माता जी हो करके उनका परिवार सबके सब देखभाल करती है, सबके सब खुश, पति भी खुश, बच्चे भी खुश, इनका ससुर भी खुश, सास भी जब की बड़ी सेवा की, सबके सबको प्रसन्न करते हुए, ऐसे नहीं किससे लड़ाई करते हुए, ऐसे नहीं सबकी सेवा करते हुए, सबकी प्रसन्नता करते हुए करना, ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए ठाकुर जी इसको प्रति कृपा कर आशीर्वाद कर, ठीक है। इसलिए उनकी कथा बहुत है, मैं तो बहुत सारी कथा जानता हूँ, लेकिन अभी हम जाना वृंदावन जाना, आज वहाँ पर नगर संकीर्तन यही पर बहुत समय हो गया। आप क्या थोड़ा सा इसमें ले लो प्लास्टिक में, जगह यहाँ करो, तुम लोग कीर्तन पर हम लोग जा रहे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि अभी वृंदावन में वहाँ पर नगर संकीर्तन हो रही देर हो। बोले श्री भक्ति प्रज्ञान के सब आज है वो आज ये बेटी की जन्मतिथि है, ये बढ़िया आप सभी के लिए रसगुल्ला मंगाया जल्दी आ जाए, ये सभी के लिए बढ़िया रसगुल्ला मंगाया, वो बंगाली रसगुल्ला है, ये बंगाली रसगुल्ला है और बड़ी सुंदर रसगुल्ला सभी के लिए। आज जन्मतिथि आप इनको सबके सब आशीर्वाद दो, सब हाथ में फूल ले लो, फूल ले दो मित्र मंत्र पढ़ लेना आरती कर दो, एक फूल दे दो सरकार, बोले ओ मेरे पीछे पीछे बोलो स्वस्ति न गोविंद स्वस्ति न अच्युतानंद स्वस्ति न वासुदेव विष्णु स्वस्ति 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 माधव वासी माधव हृदि स्मरन्ति माधव सर्वे सर्वकार्येषु माधव लाभस्तेषां।
नाम और लिख सकता है पकड़ो जनार्दन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 पीछे आ गए इसका बढ़िया ठीक है हां देखते तुम लोग मैं सब की तरफ मैं सब की तरफ ठीक है कर किसके अब बारहन का है किसके लिए किसी के आरती कर मुंह कर ले उसमें ठीक है ना ग्यारह के कल दिए थे एक अब आ गए और एक नाम और देख लेना अगर हो जावे तो मुझे कीर्तन कर रहे हैं आरती कर रहे हो ठीक है Oh, my God.
Thank you.
हमारा।